कैसा लगा मैच? इंडिया और हांगकांग के मैच देखने आए थे, इंडिया के सपोर्ट कर रहे थे, ऑल द बेस्ट। एक टाइम में तो ऐसा लग रहा था कि हांगकांग मैच ले जाएगी। आप पाकिस्तान से हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे इस मुकाबले में, और कैसा लगा? विराट की सूर्या की बैटिंग कैसी लगी आपको? अगले मैच से उनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। बहुत सारे पाकिस्तान चाह रहे थे, पाकिस्तानी चाह रहे थे कि विराट की फॉर्म वापस आए, विराट की फॉर्म अब वो लग रहा है कि वापस आ गई है। तो मैच में भी हमने देखा है कि विराट कोहली ने थोड़ा, और अगले 4 सितंबर वाले मुकाबले में कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट मैच था पाकिस्तान नेदरलैंड से आई है, तो इस टेम्परेचर में भी हो गई है, सेटल इन हो गई, तो इंशाल्लाह अच्छा पाकिस्तान मुकाबला देगी अगले मैच में इंडिया को। क्या के कैसा लगा? आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू माय पाकिस्तानी ब्रदर्स फॉर सपोर्टिंग इंडिया टुडे, एंड डेफिनेटली इंडिया प्लेड वेल टुडे, हांगकांग नेवरदलेस वाज ग्रेट। और अगला मैच पाकिस्तान इंडिया का कैसा देख रहे हैं? मेरा देखना ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, वी आर एक्साइटेड अबाउट इट, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड व्हिच सो एवर टीम वुड प्ले वेल वी विल चीयर फॉर दैट। Beat India, beat Pakistan. That's great. Thank you. जी कैसा लगा मैच? बस अच्छा लगा मैच, हम तो पाकिस्तान से हैं, इंडिया को सपोर्ट करने आए थे। मैं लग रहा था 100 आउट हो जाएंगे, लेकिन ये तो 150 क्रॉस कर गए। और स्पेशली आज किसकी बैटिंग आपको अच्छी लगी? विराट फॉर्म में वापस आ रहे हैं, आज भी 50 किया। विराट थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव फ्री खेल रहा था, उसने मारी थी 28 बॉल पे 50 आई कैसे। विराट थोड़ा डिफेंसिव था, जरा गेज कर रहा था फॉर्म, तो होपफुली जरा फ्लो में आएगा कमिंग मैचेस में। और इंडिया ने तो हांगकांग को आसानी से शिकस्त दे दी। जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान हांगकांग है, डिफिकल्ट है, रिकॉर्ड शारजा में अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ये छोटे ग्राउंड की वजह से इनके अच्छे हिटर्स हैं, तो बॉलिंग को टफ टाइम मिलेगा इसमें। और आगे वाला इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे देख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हो जाए एक दफा देखी जाए। और अगली दफा क्या उम्मीद है? 50-50 है, दोनों की टीमें स्ट्रांग है, जो चीजें भी है, ग्राउंड भी पता लगता है, प्रेशर गेम है, प्रेशर जो हैंडल कर लेगा वो ले जाएगा।